गाइस, अगर आपका भी प्रिंटर जो है एप्सन का जो है इस तरह का जो है ये प्रिंट निकाल के दे रहा है, नाटक कर रहा है, देखिए किस तरह से जो है बेकारी प्रिंट निकाल के दे रहा है, कलर कुछ इस तरह से निकाल के दे रहा है, कुछ इस तरह से जो है ये उल्टा सीधा जो है प्रिंट निकाल कर दे रहा है टूटा हुआ, ठीक है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि किस तरह से जो है इसका कलर में जाकर सेटिंग करना होती है, और किस तरह से जो है एक इसमें जो है एक सेटिंग रहती है प्रिंटर में जाने के बाद, मैं आपको बताऊंगा किस तरह से जो है वो सेटिंग करी जाती है, ठीक है। तो उसके बाद से जो है आपका प्रिंटर बिल्कुल एकदम आपको ओके हो करना क्या जाएगा। है, सिंपली जो है अपने यहाँ पर जो है विंडो पर आ जाना है। विंडो पर आने के बाद आपको यहाँ पर डिवाइस और प्रिंटर का ऑप्शन नजर आएगा, इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको ये जो आपका जो भी प्रिंटर हो उस पर राइट क्लिक करने के बाद आपको जो है प्रिंटर इसमें परफॉर्मेंस में आ जाना है, और इसमें जो है अपना प्रिंटर सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। लास्ट में जो है इसमें मेंटेनेंस में आ जाना है आपको, देखिए ऑप्शन नज़र आ रहा है, इसमें आपको आ जाना है। इसमें जो है एक ऑप्शन रहता है पावर क्लीनिंग का, ठीक है, इसको जो है आपको क्लिक नहीं करना, नहीं तो आपकी इंक जो है कम से कम आधी से ज़्यादा जो है गायब हो जाएगी आपके प्रिंटर में, ठीक है। या ये नहीं करना होता है, ये जो है जब करना होता है जब आपका प्रिंटर काफ़ी टाइम से रखा हुआ होता है और उसमें जो है इंक जो है जम जाती है पाइपों में, तो उसको जो है पावर क्लीनिंग करते हैं। अभी आपको हेड क्लीन करना है, हेड क्लीन पे क्लिक करना है, यहाँ पर प्लीज़ वेट लिख कर आएगा, और उसके बाद जो है यहाँ पर स्टार्ट कर देना है, ठीक है। स्टार्ट आप जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर 1 मिनट का कम से कम प्रोसेस शुरू हो जाएगा, देखिए स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर जो है 1 मिनट का ही पूरा प्रोसेस शुरू हो जाएगा, एक से 2 मिनट लगेंगे आपका ये पूरा प्रोसेस होने में, ठीक है। और प्रिंटर देखें होना शुरू हो गया, ठीक है। उसके बाद ये फिनिश लिख कर आ जाएगा आपका, 1 से 2 मिनट के बाद जो है फिनिश लिख कर आ जाएगा। फिनिश पर आप क्लिक करने के बाद आपको जो है अपना फिर से प्रिंट देख लेना है, और प्रिंट की कमांड देकर दोबारा से चेक कर लेना है, ठीक है। ये मैं यहाँ से दोबारा से आपको जो प्रिंट की कमांड देकर दिखाता हूँ। उसके बाद कुछ इस तरह से जो है प्रिंट आपका आने लगेगा, ठीक है। आपका ये जो प्रिंट है बिल्कुल एकदम एक्यूरेट सही आएगा, ठीक है। ये सेटिंग जरूर करें। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ठीक है।